हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मेहनत करने का मन नहीं बहुत देर रसोई में खड़े होने का मन नहीं है और कुछ नया खाने का मन है तो चलिए बनाते हैं अच्छी सी रेसिपी तो यहाँ पे मैंने दो कच्चे आलू लिए हैं जिनको कट करके मिक्सी जार में डाल दिया है दो ही मीडियम साइज के प्याज लिए हैं इन्हें भी मैंने कट कर लिया है और, और मिक्सी जार में डाल दिया है फिर पाँच छः लहसुन की कलियाँ ली हैं इनको मिक्सी जार में डालेंगे उसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक टेस्ट के हिसाब से और हरी मिर्च एक डालेंगे आप अपने हिसाब से हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं दो तीन एक जैसे भी खाना चाहते हैं नमक डाल के फिर इसे हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे पानी की जगह पे आप लस्सी भी ऐड कर सकते हैं दही भी ऐड कर सकते हैं और इसका फाइन पेस्ट बना के हमें तैयार करना है पेस्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है अगर आपको लगता है इसमें एक आधे मोटे आलू या प्याज हैं तो इन्हें छान लें तो बारीक पेस्ट तैयार हो चुका है बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी जार को धो के फिर इसमें डालेंगे एक टी अजवाइन एक टी जीरा एक टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और एक टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और फिर इसमें डालेंगे हम एक टीस्पून काली मिर्च का पाउडर तो यहाँ पे स्पाइसेस अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं गरम मसाला भी एक चम्मच डाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे वाइट तिल यानी सफ़ेद तिल डालेंगे इसमें इससे बहुत ही क्रंची और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है फिर इसमें लगभग एक से डेढ़ टेबल स्पून डाल देंगे हम बेसन और फिर इसमें दो टेबल स्पून डालेंगे ऑयल इससे जो नाश्ता बनेगा वो क्रिस्पी बनेगा और अब हरा धनिया बारीक कट करके डाल दिया है आप चाहें तो यहाँ पे पालक या फिर मेथी भी ऐड कर सकते हैं और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से तो ये दे सकते हैं हमारा बैटर तैयार हो गया है और मसाले इसमें अगर आप डालना चाहते हैं कुछ तो ऐड कर सकते हैं बाकी अगर यहाँ पे आप सिर्फ प्याज से बनाना चाहते हैं तो सिर्फ प्याज को यूज कर सकते हैं सिर्फ आलू से तो सिर्फ आलू से बना सकते हैं टमाटर भी पीस सकते हैं आप इसमें और अब इसमें लगभग सौ ग्राम आटा लिया था मैंने जिसमें लगभग तीन चार चम्मच बच गया है बाकी सारा मैंने ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो फ्रेंड्स अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियोस देख पाएं मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है जो बिल्कुल फ्री है तो इस तरीके का बैटर बना के हमें तैयार करना है अब इसे कवर करके हम लगभग दस मिनट के लिए छोड़ देंगे तब तक यहाँ बना लेते हैं बहुत ही बढ़िया बड़ी स्पाइसी चटनी जिसके लिए मैंने लिया है हरा धनिया दो टमाटर लिए मीडियम साइज के और सात आठ हरी मिर्च ली हैं अपने हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा ले सकते हैं आप फिर इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और फिर इसमें डालेंगे एक टीस्पून ज़ीरा और इसे हम पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के ये हमारी चटनी तैयार हो गई है बहुत ही स्पाइसी टेस्टी चटनी लगभग दस मिनट हो चुके हैं देखते हैं तो परफेक्ट हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है मिक्स करेंगे एक चम्मच वाइट तिल यानी कि सफ़ेद तिल मैंने इसमें और ऐड कर दिए हैं और इस तरीके से परफेक्ट बैटर तैयार है अब इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून बेकिंग सोडा इससे नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट और फूला फूला तैयार होगा और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इस तरीके से आप ये बैटर तैयार कर सकते हैं यहाँ पे आप आटे की जगह पे बेसन प्रॉपर ले सकते हैं बेसन और सूजी मिक्स कर सकते हैं तो इस तरीके से गेहूं के आटे से आप नाश्ता बनाते हैं तो हेल्दी भी बनता है और टेस्टी भी बनता है अब ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे फ्लेम को मीडियम पे सेट कर लेंगे एक चम्मच भर के इसमें बैटर डालेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और ऊपर से इसके इस तरीके से ऑयल स्प्रेड करेंगे तो ऑयल स्प्रेड करते रहना है फ्लेम को मीडियम रखना है बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट मुलायम आपका नाश्ता बन के तैयार हो जाता है बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी ना आटा गूथना है ना भरना है ना बेलना है और आपको आलू प्याज की कचौड़ी का बहुत ही बढ़िया स्वाद मिल जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हैं तो तवे पे हल्का सा ऑयल लगा के जिस तरीके से चीले बनाते हैं पैनकेक बनाते हैं उस तरीके से भी आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं तो आप चाहें तो इसे फ्राई करें और चाहें तो इसे हल्का सा ऑयल लगा के पराठे की तरह बना के तैयार कर सकते हैं तो परफेक्ट रेसिपी हमारी तैयार है बहुत ही बढ़िया आलू प्याज की कचौड़ी और साथ में इसके स्पाइसी हरे धनिया की चटनी आप चाहें रायते के साथ भी सर्व करें सब्जी के साथ सर्व करें बहुत बढ़िया बनता है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर